बुद्धा इन इंडिया। ये जो तस्वीर यहाँ आप देख रहे हैं, ये तस्वीर मुझे एक मेरे मित्र ने भेजी है और वो ये कह रहे हैं कि आप धम्म को समझाते हैं, धम्म को बताते हैं। ये जो बुद्धा की स्टैचू तोड़ी है और जिन्होंने तोड़ी है उसके बारे में एक छोटा सा वीडियो बना दीजिए, क्योंकि वो दरअसल बुद्धा के भक्त हैं, बुद्ध के अनुयायी नहीं हैं, तो उनको बड़ा दुख पहुंच रहा है और बड़ा उनके आंखों में आंसू आ रहे हैं कि उनके भगवान बुद्ध की मूर्ति तोड़ दी, सर पूरा अलग कर दिया, जैसा कि नीचे पिक्चर में दिखाया जा रहा है। कुछ लोगों ने भारत के सबसे बड़े वैज्ञानिक की, जो कि भारतीय है और भारत का सबसे बड़ा आदमी है, दुनिया का नंबर एक का आदमी है जिसको बुद्ध बोलते हैं, पूरी दुनिया मानती है, जानती है, पूछती नहीं है, पूरी दुनिया अभ्यास करती है, प्रैक्टिस करती है उन बातों का जो उन्होंने खोजी और जो देखी और जो मनुष्य के कल्याण के लिए उन्होंने दी, वो आज भी ठीक है, क्योंकि मनुष्य है तो बात ठीक है। तो भारत के सबसे महानतम आदमी का भारत के अंदर ही कोई गर्दन काट दे या मूर्ति तोड़ दे तो समझें कि या तो वो भारत का नहीं होगा या उसे किसी बाहर के व्यक्ति ने भड़काया होगा, क्योंकि अगर भारतीय होगा तो वो कभी नहीं काटेगा, क्योंकि बुद्ध का सर काटने का मतलब है अपना ही सर काट लिया। अपना सर काट लिया का मतलब क्या है? क्योंकि आपके अंदर इतना जहर भरा हुआ है, इतना क्रोध भरा हुआ है, इतनी अग्नि भरी हुई है, इतना पाप भरा हुआ है कि आपको ये नहीं समझ में आया कि बुद्ध ने तो कभी जीवन में किसी का नुकसान किया ही नहीं। अगर आप बुद्ध के पूरे किसी चैप्टर को उठा लें या बुद्ध के किसी फिलॉसफी को या किसी बच्चे से भी पूछेंगे तो कहेंगे बुद्ध तो प्यार, करुणा, मैत्री और भाईचारा फैलाते हैं, बुद्ध के हाथ में तो कोई हथियार भी नहीं है, बुद्ध ने तो कभी लड़ने की बात भी नहीं की, बल्कि बुद्ध ने तो जहां लड़ाई हुई वहां लड़ाई शांत की, बुद्ध कभी हिंसा नहीं भड़काते थे, बुद्ध ने तो चोरी करने के लिए मना किया, बुद्ध ने हिंसा करने के लिए मना किया, बुद्ध ने पाप करने के लिए मना किया, बुद्ध ने व्यभिचार करने के लिए मना किया, बुद्ध ने नशा और पता करने के लिए मना किया, बुद्ध ने स्त्रियों को बराबर का सम्मान दिया, बुद्ध ने पूरे भारत को अखंड भारत बनाने के लिए वो सूत्र दिए जिससे अशोक ने पूरे भारत को एक भारत बाद में बनाया, जब वो बुद्ध की वाणी को, बुद्ध की बात को, बुद्ध के संविधान को समझ गए। बुद्ध ने कोई धर्म भी नहीं बनाया, यानी कि बुद्ध ने कोई धर्म नहीं बनाया, लोगों ने बाद में बुद्ध के धर्म को बौद्ध धर्म कहना शुरू किया, बुद्ध ने कोई बौद्ध शब्द भी नहीं दिया, बुद्ध ने कोई समुदाय भी नहीं बनाया, बुद्ध ने कोई कम्युनिटी, कोई ग्रुप, कोई रिलीजियस ग्रुप, कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया, बुद्ध के पूरे उसमें कहीं कोई गॉड नहीं है और बुद्ध ने कभी किसी गॉड का विरोध भी नहीं किया, बुद्ध के पूरे साहित्य में, पूरी जानकारी में कहीं आत्मा का, परमात्मा का जिक्र नहीं है और बुद्ध ने कभी आत्मा परमात्मा के बारे में एक शब्द बोला भी नहीं, किसी की आलोचना भी नहीं की, बुद्ध ने कभी किसी का विरोध भी नहीं किया, बुद्ध ने कभी किसी के काम में कभी कोई टांग नहीं अड़ाई ना कोई अड़ंगा किया, बुद्ध ने अपना काम किया, लोगों को सील, समाधि, प्रज्ञा, यानी कि सच कैसे बनते हैं, सच कैसे चलते हैं, सच्चाई के क्या लाभ हैं, यही सिखाया। बुद्ध ने कोई सेना नहीं बनाई, बुद्ध ने कभी किसी भिक्खु को ये नहीं कहा कि मेरे बाद में ये मेरा वंश चलेगा या मेरा परिवार चलेगा, सारा वंश और सारा परिवार भी खत्म कर दिया, कोई परिवार नहीं, कोई संस नहीं। बुद्ध ने कोई गुरु चेले की परंपरा भी नहीं बनाई, बुद्ध ने कोई ना आश्रम बनाया, ना कोई मठ बनाया, ना ही किसी मंदिर का या विहार का कोई उन्होंने दावा किया, ना ही उस पर उन्होंने कभी संपत्ति इकट्ठी की, ना ही कभी पैसे का लेन देन उन्होंने किया, ना ही उन्होंने धम्म के बदले, सिखाने के बदले किसी से कोई पैसा मांगा, धम्म फ्री सिखाया, पूरी दुनिया को सिखाया, सबको सिखाया, ना ही उन्होंने कभी भेदभाव किया कि वो वमण जो बाहर के लोग हैं उनको नहीं सिखाएंगे या जो समण यहाँ के काले लोग हैं उनको नहीं सिखाएंगे, जो सीखा वही सीखा और जो सीखा वो अपना सब वमण समण छोड़ के वहां भिक्खु बन गया, या तो या अर्हत बन गया या वो साधु बन गया, ना उसमें कोई जात उन्होंने थी ना उनका वर्ग था, क्योंकि जात तो बहुत बाद में आई, जात तो बहुत बाद में शब्द आया, पहले तो वर्ण था, कलर था, तो सभी कलर का, चाहे वो अश्वेत है यानी कि बिना कलर का आदमी बाहर का है या यहाँ के सुवर्ण है, काला है, सामा है, उसको सिखाया। बुद्ध ने बिना डरे हर एक आदमी का सामना किया, चाहे वो अंगुलीमान जैसा डाकू हो, चाहे वो एक हाथी है जो नालागिरी था वो हाथी है, या जो भी रास्ते में जो भी कठिनाई आई, जहाँ कहीं लोगों ने उनको गालियाँ दी या लोगों ने भिक्खु संघ पे आरोप लगाए या कहीं कोई उन्होंने व्यभिचार लगाए या किसी सभा के अंदर कोई चिंचा नाम की औरत ने उनके ऊपर व्यभिचार का आरोप लगाया, उन्होंने सबका सामना किया, कभी डरे नहीं, कभी भागे नहीं, सारी बातें उन्होंने तथ्य पे आधारित बताई, तथ्य का इसलिए उनको तथागत बोलते थे, यानी तथ्य पे आगत, यानी जो सच्चाई है उसको वो देखा और बताते थे, सारी बातें उन्होंने वो बताई जो पहले उन्होंने खुद देखी कि वो सच है, उसके बाद वो बताई।
सारा जितना भी वो चीज बताते थे पहले वो खुद पे अप्लाई करते थे, यानी कि जैसा उनका जीवन था वही बात बताते थे। ऐसा कभी नहीं करते थे कि बताएं कुछ और, बोलें कुछ और, करें कुछ और। यानी जो कहते थे वही बोलते थे, वही वो करते थे। तो इतने सीधे और सच्चे आदमी थे, सबके लिए उनके रास्ते खुले हुए थे, चाहे वो अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे राजा है या रंक है या सिपाही है, कोड़ी है या बीमार है, या वो कोई महिला है, या जैसा बूढ़ा है या जवान है, बच्चा है, जो उनके यहाँ आ गया धम्म सीखने के लिए, उन्होंने उसको बिना किसी भेदभाव के धम्म सिखाया। तो कोई भेदभाव का आरोप ही नहीं लगा सकता। कोई सोना चांदी कपड़ा वो कभी किसी से लेते नहीं थे। धम्म में संघ के नियम थे, जो दान में आया वो सबको मिलता था जिसको जरूरत होती थी। ऐसा भी नहीं कि दान में कुछ आया है तो वो अपने लिए कोई स्पेशल रख लें। जब उनका नंबर आता था तो उन्हें जरूरत पड़ती थी तो उनको मिलता था, और जब किसी और का नंबर आया तो उसको मिलता था। कहीं कोई झगड़ा होता था तो वो संघ के माध्यम से कराते थे, उसका बाकायदा इलेक्शन कराते थे या पूरी सभा से पूछते थे। ऐसा भी नहीं कि वो अपनी थोपते हों या अपनी चलाते हों, कि धम्म में कोई झगड़ा हुआ है तो वही चलाएंगे, वही जजमेंट लेंगे। वो संघ के नायक सिर्फ तब तक थे जब तक संघ उनको नायक मानता था। संघ ने जब नायक मानना बंद कर दिया तो नायक नहीं रहे। 500 भिक्कू उनके सामने से चले गए, उन्होंने कहीं विरोध नहीं किया। बाद में वो वापस आ गए तब भी कोई विरोध नहीं है। मतलब वो समता में, समानता में, प्यार में, मोहब्बत में, करुणा में, भाईचारे में सब जगह रहे। जैसा खाना सारा भिक्कू संघ खाता था सेम उतना ही खाना, सेम वही खाना खाते थे। अच्छा तो अच्छा, खराब तो खराब, उनके लिए अच्छा खराब कुछ नहीं, सिर्फ भोजन भोजन होता था। तो इतने सारे गुणों का जो राजा रहा, इतने सारे गुणों का जो जीतने के बाद बना, जिसने अपने मन को कंट्रोल में किया, जो भारत का रहा, जिसे पूरी दुनिया ने माना, जो पूरी दुनिया में जहां भी आप जाओगे तो भारत का नाम अगर लोगे तो कहेंगे अच्छा बुद्ध भूमि से आए हैं। आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा कि आपको बुद्ध भूमि से आए हैं, वो इतना खुश हो जाते हैं कि आपकी सच्चाई बुद्ध के नाम से जुड़ती है, चाहे भले ही आप किसी भी समुदाय, किसी वर्ग के हों, किसी भी तरह के हों, बुद्ध के नाम से पहचाने जाते हैं। तो उस व्यक्ति की स्टैचू, क्योंकि स्टैचू के लिए तो बुद्ध ने कभी कहा नहीं, ना बुद्ध के समय स्टैचू थी, 500 साल बाद स्टैचू बनी है। तो बुद्ध ने कहा है वो कहीं रहते नहीं है, रहते हैं तो वो धम्म की प्रैक्टिस में रहते हैं। इसलिए बुद्ध को तो कोई फर्क पड़ता नहीं है कि आप उसकी मूर्ति का गला काटें या पेट काटें या छुरा भोंकें या चाचा, मगर आपको फर्क पड़ता है, क्योंकि आपने इतने अच्छे व्यक्ति की अगर गर्दन काटने का मन में लेके आए तो आपके मन में जहर कितना भरा हुआ है, कड़वाहट कितनी भरी हुई है, ईर्ष्या कितनी भरी हुई है, क्रोध कितना भरा हुआ है कि आप पत्थर पे अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। यानी कि आपका मन पूरी तरह से खराब हो चुका है, तो ये खराब मन आपके परिवार में कितना असर डाल रहा होगा, आपके मोहल्ले में कितना असर डाल रहा होगा। आप तो चारों तरफ आग ही आग बिखेर के घूम रहे होंगे क्योंकि आप तो आग लेके घूम रहे हैं, ईर्ष्या ही बिखेरते होंगे क्योंकि आप तो ईर्ष्या लेके चल रहे हैं, आप तो कटुता ही बिखेरते होंगे क्योंकि आप तो कटुता लेके चल रहे हैं, आप तो हिंसा ही बिखेरते होंगे क्योंकि आप तो पत्थर पे भी हिंसा निकाल रहे हैं। बुद्ध मूर्तियों में, पत्थर में नहीं रहता। बुद्ध रहता है प्रैक्टिस में, सच्चाई में, ईमानदारी में, धम्म में रहता है, प्रकृति में रहता है। बुद्ध ने कहा है कि अगर मुझसे मिलना हो, मुझे देखना हो तो धम्म को देखना, और धम्म हर चीज में है, कण कण में है, अणु अणु में, इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में, प्रोटॉन में। तो धम्म से कोई क्या बदला लेगा और कैसे ले लेगा, और जिसको लेना है वो ले ले, क्योंकि वो तो हर जगह विद्यमान है, वो तो सनत अणु है, हर जगह हर समय रहता है। तो नादान लोग हैं बड़े, वो अज्ञान लोग हैं बड़े, वो बाल लोग हैं बड़े, वो मूढ़ हैं, उनकी मूढ़ता है। भगवान बुद्ध की उन पर करुणा हो, भगवान बुद्ध की उन पर दया हो, उनको एक अच्छी दृष्टि मिले, उनका परिवार ठीक चले, वो सब मंगल हो जाएं, वो सुरक्षित हो जाएं, जिन्होंने भगवान बुद्ध की स्टैचू तोड़ी है, या जो तोड़ने का सोचते हैं या तोड़ने का मन में लेके आते हैं। बहुत अपने मन को पहले वो पाप से भरते हैं तब मूर्ति पर हाथ चलता है, इतना आसान नहीं है। तो जिन मित्र ने मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा है, मैं उनसे कहूँगा कि आप परेशान ना हो। भगवान बुद्ध के धम्म की खास बात है कि जो धम्म को नष्ट करने के लिए या मूर्ति को नष्ट करने के लिए आता है, उसकी पीढ़ियों तक में खराब लोग और खराब व्यवहार के लोग पैदा होते हैं। इसका असर बहुत बुरा होता है। ये पाप कम ऐसा है जिसका कोई इलाज नहीं है, उनको वो भुगतना पड़ता है। वो पूरी जिंदगी नरक जैसी जिंदगी जीते जी गुजारते हैं, और उसके बाद भी वो ऐसी ही जिंदगी गुजारते रहते हैं। आप सबसे मेरा निवेदन है कि ऐसी अगर कोई घटना हो तो उसको समता से देखें, भाव से देखें। मूर्ति टूटी है, मूर्ति में कुछ रखा नहीं है, मगर आपने बनानी है तो आप और बना लीजिए, सार्वजनिक स्थान पर मत लगाइए, क्योंकि मूर्ति मूर्ति नहीं खेलना चाहिए। मूर्ति मूर्ति खेलने से कोई फायदा नहीं है। भगवान भगवान का कोई झगड़ा भगवान ने कभी नहीं किया। भगवान अपने काम करते रहते थे, आप भी अपना काम करते रहें। धन्यवाद।